Hello students, today we are going to start our new chapter, that is chapter number 13 of class 12 physics, nuclei. और आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे इन तीन टॉपिक्स को. और फर्स्ट टॉपिक इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन. देखिए, आपने केमिस्ट्री में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन पढ़ा है, जो कि हमने पढ़ा है इन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स में. ठीक है, कि कैसे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का पता चला. आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, कि हमें न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, यानी न्यूट्रॉन का पता हमें कैसे चला. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक विल बी प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई. देखिए, एटम के अंदर एक छोटा सा स्पेस होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, और ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, है ना. आज हम उस छोटी सी स्पेस यानी न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, कि उसका साइज, मास और उसकी डेंसिटी क्या क्या है. ठीक है, एंड इन थर्ड टॉपिक विल डिस्कस द मास एनर्जी, कि किसी मास से रिलेटेड एनर्जी को आप दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक विल डिस्कस फ्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग द एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर. अब जिनको ये बेसिक बातें पता है वो डायरेक्टली डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन से स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. तो प्रीवियस चैप्टर में आपने देखा था कि किसी एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ इट्स मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट अ वेरी डेंस रीजन. बहुत ही छोटी सी जगह पर किसी एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और उस रीजन को हम बोलते हैं न्यूक्लियस. ठीक है, क्लियर है. और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसी न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं. ठीक है, इसके अलावा हमने क्या देखा था कि एटम का जो साइज होता है वो होता है ऑफ ऑर्डर 10^-10 मीटर का, है ना. एंड न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो होता है ऑफ ऑर्डर 10^-14 से लेके 10^-15 मीटर के बीच में, है ना. यानी किसी एटम के मुकाबले उसका न्यूक्लियस 10,000 से लेके 1,00,000 गुना तक छोटा हो सकता है, है ना. तो इसका मतलब क्या हुआ कि एटम में जो ज्यादातर स्पेस है वो खाली है, वहां कुछ भी नहीं है, है ना. और उस एटम का ज्यादातर मास कहां कॉन्सेंट्रेटेड है, न्यूक्लियस में, और इसी न्यूक्लियस में उसका सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज भी कॉन्सेंट्रेटेड है. ठीक है, ये अब तक हमने देखा. नाउ सपोज करिए कि एक एलिमेंट है एक्स, जिसका एटॉमिक नंबर है जेड और उसका एटॉमिक मास नंबर है ए. ठीक है, देखिए, ये जेड जो है वो क्या है, एटॉमिक नंबर. क्या है ये, एटॉमिक नंबर, है ना. और ए क्या रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक मास. 1000 से लेके, तो अब आप ये ध्यान रखेंगे कि ये एटॉमिक मास नंबर है, एटॉमिक मास नहीं है. ठीक है, एटॉमिक मास इससे ज्यादा होता है, ये क्या है, एटॉमिक नंबर है. अच्छा, अब एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, तो एटॉमिक नंबर से हमें पता चलता है चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस. ठीक है, कि किसी न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज है, है ना. अब एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर, है ना. और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही किसी एटम में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं. ठीक है, लेकिन हम यहां सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखेंगे, क्लियर हो गया. सिमिलरली ये ए क्या रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक मास नंबर. ठीक है, तो एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है, तो किसी न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम है उसे हम कहते हैं एटॉमिक मास नंबर. तो यहां नीचे क्या लिखा जाता है, चार्ज ऑफ द पार्टिकल, एंड ऊपर क्या लिखा जाता है, मास ऑफ द पार्टिकल. अब कोई एटम जो है वो तीन टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनता है, जो कि है आपके इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे ज्यादा हल्का और बेसिक पार्टिकल है. ठीक है, इसको हम फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं. लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उनका फर्दर और डिवीजन होता है क्वार्क्स में, यानी ये पूरी तरह से फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है. ठीक है, अब अगर इनकी बात करें तो इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं, एटम्स के बाहर ऑर्बिट्स में, और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहां होते हैं, न्यूक्लियस में. ठीक है, तो आज हम इसी न्यूक्लियस की बात करेंगे इस चैप्टर में, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज. देखिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, अगर हम इनके चार्ज की बात करें
इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। प्रोटॉन का चार्ज होता है +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। और न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं होता, ठीक है, वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है। ये समझ आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है। जितना प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर हम इनका रिलेटिव चार्ज लें, यानी इनके चार्ज का रेशियो लें, चार्ज के मैग्नीट्यूड का रेशियो लें, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा 1, प्रोटॉन का चार्ज आएगा 1 और न्यूट्रॉन का चार्ज क्या आ जाएगा 0। तो इनके चार्ज का रेशियो होता है 1:1:0, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब अगर हम देखें इनका मास, तो मास ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻³¹ kg, जबकि मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6726 × 10⁻²⁷ kg। सिमिलरली मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.6749 × 10⁻²⁷ kg, है ना। नाउ यू कैन सी दैट न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग इक्वल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो इन दोनों के मास से बहुत कम है। इसका ऑर्डर कितना है 10⁻³¹ kg, जबकि इन दोनों का जो मास है उसका ऑर्डर है 10⁻²¹ kg, ठीक है। अब इतना छोटा जो मास है उसको केजी में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि केजी बहुत बड़ी यूनिट होती है। किसी इतने छोटे मास को रिप्रेजेंट करने के लिए केजी जो है वो एक बहुत बड़ी यूनिट हो जाएगी। तो इतने छोटे मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट? 1 AMU क्या होता है? 1 AMU होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। इसका मतलब अगर आप कार्बन एटम के C12 एटम के 12 इक्वल पार्ट्स करते हैं तो जो एक पार्ट होगा उसका मास आ जाएगा आपका 1 AMU, ठीक है। अब कार्बन 12 एटम का मास होता है 1.992647 × 10⁻²⁶ kg, ठीक है। इसके कितने हिस्से करने हैं? 12, यानी इसको डिवाइड करना है 12 पार्ट्स में। तो एक पार्ट का मास कितना आएगा? वो आएगा आपका 1.660539 × 10⁻²⁷ kg, ठीक है, विच इज अप्रोक्सीमेटली रिटर्न एज 1.66 × 10⁻²⁷ kg, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 AMU। इसको हम 1 यूनिट मास भी कहते हैं, ठीक है, मॉडर्न नोटेशन में इसको 1 यूनिट लिखा जाता है। तो अब अगर आप देखें प्रोटॉन का मास कितना है 1.6726 × 10⁻²⁷ kg, न्यूट्रॉन का भी मास लगभग उतना ही है, और देखिए ये दोनों मास लगभग कितने हैं? 1 यूनिट जितने, ठीक है। तो इनका जो मास है अगर हम उसका रेशियो लें तो इसका मास आएगा 1 यूनिट, इसका भी मास लगभग आ जाएगा 1 यूनिट, जबकि उनके कंपेयर में इसका मास आएगा 0.0005 यूनिट्स, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत ज्यादा छोटा है, मतलब हम इसको नियरली जीरो लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मास ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन का मास नहीं होता है, इसका मास होता है, कितना होता है? 9.1 × 10⁻³¹ kg या 0.005 यूनिट्स, ठीक है। हम इसे बस कंपेयर में नेग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपेयर में हम इसे नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस में, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का मास 1 यूनिट है, इलेक्ट्रॉन का मास 0 है, यानी ज्यादातर जो मास है वो किसके पास है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के पास, और वो दोनों ही कहां पर है? न्यूक्लियस में, ठीक है। इसीलिए एटम का जो ज्यादातर मास है वो कहां कॉन्सेंट्रेटेड होता है? न्यूक्लियस में, ठीक है। तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं इन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब क्या हुआ? वो पार्टिकल्स जो कि न्यूक्लियस में रखे गए हैं,
ठीक है, यानी जो पार्टिकल न्यूक्लियस में होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, जो कि है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो आगे से इस चैप्टर में हम इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को न्यूक्लियॉन्स कहेंगे। ठीक है, यानी अगर आपको कहा जाए न्यूक्लियॉन तो यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा, इन तीनों पार्टिकल्स को डिनोट करने के लिए हम कुछ नोटेशंस का यूज करते हैं। तो देखिए, न्यूट्रॉन की बात करते हैं, न्यूट्रॉन को डिनोट किया जाता है एन से। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में इस तरह से सिंबल दे रखे हों तो भी आप पहचान सकते हैं कि पार्टिकल कौन सा है। तो न्यूट्रॉन को हम डिनोट करते हैं एन से। अब आपको क्या बताया, नीचे क्या होता है चार्ज, तो चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इज 0 एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1। ठीक है, सिमिलरली प्रोटॉन, तो प्रोटॉन को आप कैसे डिनोट करेंगे, देखिए अगर आप एक हाइड्रोजन का एटम लेते हैं तो उसमें चार्ज कितना है, उसके न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है 1, और उसके न्यूक्लियस का मास नंबर कितना है 1, एक ही प्रोटॉन है उसमें, यानी आप प्रोटॉन को हाइड्रोजन एटम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय सिंबल ई। अब इसका चार्ज कितना है, -1। ठीक है, देखिए 1 1 0 है ना, ये रिलेटिव चार्ज दिखा रहा है, तो इसका चार्ज कितना है, रिलेटिव चार्ज कितना है -1, और इसका मास अप्रोक्सीमेटली, रिलेटिव मास, ये इसका रिलेटिव मास है, तो रिलेटिव मास इसका कितना है 0। ठीक है, तो देखिए ये हो गए इसके सिंबल्स, है ना। अब इस चैप्टर में हम आगे से इन नोटेशंस का यूज करेंगे टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये हो गए आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब चलिए इन्हीं के बेसिस पे हम समझते हैं कुछ और फिनोमेना रिलेटेड टू एटम। लेट्स स्टार्ट विद आइसोटोप्स। तो जैसा कि हमने देखा कि एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स का जो मास है वो रिप्रेजेंट किया जाता है इन AMU, एंड 1 AMU इज इक्वल्स टू होता है 1.66 × 10⁻²⁷ kg अप्रोक्सीमेटली, है ना। अब ये बहुत ही छोटा मास है, और इतने छोटे मास को डिटरमाइन करने के लिए हम कुछ स्पेशल टेक्निक्स का यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज करते हैं हम टू डिटरमाइन द मास ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स लाइक एटम्स एंड सब एटोमिक पार्टिकल्स। अब जब हमने इसका यूज करके अलग अलग एटम्स का मास डिटरमाइन किया, तो ऐसा देखा गया कि देर आर सर्टेन एटम्स विच आर हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। बट देयर मास वॉज डिफरेंट। ठीक है, मास कैसा था, डिफरेंट। तो कुछ ऐसे एटम्स मिले हमें जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम थी लेकिन उनका मास अलग था। अब किसी भी एटम की केमिकल प्रॉपर्टी कंट्रोल की जाती है बाय इट्स एटॉमिक नंबर। ठीक है, यानी चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस से, और चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एटॉमिक नंबर से। ठीक है, सिमिलरली एटम का मास किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एटॉमिक मास नंबर, दैट इज ए से। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि वो जो एटम थे जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी, इसका मतलब उनका एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, सेम। लेकिन क्योंकि उनका मास अलग था, इसका मतलब ये हुआ कि उनका एटॉमिक मास नंबर अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, सच स्पीसीज आर कॉल्ड आइसोटोप्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसी स्पीसीज जिनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टी होती है लेकिन उनका मास डिफरेंट होता है। ठीक है, इसका मतलब हम इसे अभी ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द स्पीसीज विच आर हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट हैव डिफरेंट मास नंबर, है ना। फॉर एग्जांपल क्लोरीन, क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं, वन इज Cl1735 एंड अदर इज Cl1737। ठीक है, एक जिसमें इसका मास नंबर होता है 35 और दूसरा जिसमें इसका मास नंबर होता है 37 यूनिट। लेकिन क्योंकि इन दोनों में इसका एटॉमिक नंबर, दोनों का ही एटॉमिक नंबर कितना है 17, इसीलिए इन दोनों की प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेम। ठीक है, और ये दोनों ही एटम किसके होने चाहिए, सेम एलिमेंट के, यानी दोनों ही क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, अब अगर आप देखें तो न्यूमेरिकल्स में जो आप क्लोरीन का मास लेते हैं, ना तो वो 35 है ना ही 37 है, आप न्यूमेरिकल्स करने के लिए क्लोरीन का जो मास कंसिडर करते हैं वो है 35.5। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एवरेज एटॉमिक मास। क्या कहलाता है ये,
एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, अब अगर आप देखें तो 35 और 37 का जो एवरेज है वो तो आता है 36, लेकिन हमने क्या लिखा है 35.5। इसका मतलब हम एवरेज डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं करते हैं। ठीक है, तो एवरेज कैसे डिटरमाइन करते हैं, चलिए देखिए। देखिए जो 35 है इसका एग्जैक्ट मास होता है 34.98, है ना, और ये जो 37 है इसका एग्जैक्ट मास होता है 36.98 यूनिट्स। ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है, तो इनका एवरेज एटॉमिक मास पता करने के लिए सबसे पहले हमें इनकी अबेंडेंस पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि क्लोरीन की, ये क्लोरीन 34.98 की अबेंडेंस होती है 75.4%। ठीक है, एंड 36.98 यूनिट का जो मास है उसकी अबेंडेंस होती है 24.6%। अब इस अबेंडेंस का मतलब क्या है कि अगर आप नेचर में से सपोज 1000 क्लोरीन के पार्टिकल्स लेते हैं, क्लोरीन के एटम्स लेते हैं, कितने 1000, तो उसमें से उन 1000 पार्टिकल्स में से आपको 754 पार्टिकल्स ऐसे मिलेंगे जिनका मास हो जाएगा 34.98 यूनिट, और बाकी 246 पार्टिकल्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनका मास हो जाएगा 36.98 यूनिट्स। ठीक है, तो ये हो गई इसकी अबेंडेंस। अब इन अबेंडेंस का यूज करके आप डिटरमाइन करेंगे इनका एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, बाय वेटेड मीन मेथड। ठीक है, कैसे, तो चलिए इसको जरा हटा देते हैं। एवरेज एटॉमिक मास कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग वेटेड मीन मेथड। ऑफ क्लोरीन क्या हो जाएगा, तो देखिए मास कितना है ये 34.98 यूनिट्स, उसकी अबेंडेंस कितनी है 75.4%। ठीक है, प्लस दूसरा मास कितना है 36.98 और उसकी अबेंडेंस कितनी है 24.6%। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या करना है 100, क्योंकि ये सब परसेंटेज में है इसलिए हम इसे डिवाइड कर देंगे बाय 100। क्लियर हो गया, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 35.46 यूनिट्स। ठीक है, तो इसीलिए क्लोरीन का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो हो जाएगा 35.46 यूनिट, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं 35.5। ठीक है, यानी एवरेज एटॉमिक मास डिटरमाइन करने के लिए आपको सम करना है, किसका सम करना है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स अबेंडेंस डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो इससे आप किसी भी एटम की एवरेज एटॉमिक मास को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन रेज हुआ वो रेज हुआ एटम के मास को लेके। ठीक है, कि ऐसा तो कैसे हो सकता है कि दो ऐसे पार्टिकल्स हों जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो लेकिन मास अलग अलग हो गया, यानी मास का केमिकल प्रॉपर्टी पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, और इसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, इस मास की प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए आगे जाके डिस्कवरी हुई न्यूट्रॉन की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो चलिए समझते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। देखिए न्यूट्रॉन डिस्कवर किया गया इन ईयर 1931 से पहले ऐसा माना जाता था कि एटम वो सिर्फ दो पार्टिकल से मिलकर बना है, एक है प्रोटॉन और दूसरा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन जैसा कोई पार्टिकल नहीं पता था, क्योंकि न्यूट्रॉन एक अनचार्ज पार्टिकल है इसलिए इसकी डिस्कवरी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बहुत बाद में हुई थी। ठीक है, यानी न्यूट्रॉन बहुत ही ज्यादा लेट डिस्कवर हुआ था। अब आइसोटोप्स की डिस्कवरी के बाद एटम का जो मास है उसको लेके बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हुए। कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे हम मान लेते हैं कि हम एक एटम कंसिडर करते हैं हाइड्रोजन का, जिसका एटॉमिक नंबर है 1। अब क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर यानी Z इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉन कितने होने चाहिए 1, ओके, एंड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए 1। क्लियर है, क्योंकि इसका चार्ज कितना है 1, इसका मतलब इसका प्रोटॉन, इसमें प्रोटॉन कितने होने चाहिए 1 और इलेक्ट्रॉन भी कितने होने चाहिए 1। अब ऐसा माना जाता था कि ये हाइड्रोजन है वो सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, यानी जो हाइड्रोजन का मास है
वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए सम ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1 यूनिट अप्रोक्सीमेटली, और इलेक्ट्रॉन का मास अभी आपको बताया कितना होता है, 0.0005 यूनिट्स, ठीक है। अब ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी है तो हम इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी ये जो मास आया, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आया, लगभग 1 यूनिट, जो कि किसके बराबर है, मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, प्रोटॉन के मास के बराबर, ठीक है। तो हर एक हाइड्रोजन एटम का जो मास है वो किसके बराबर होना चाहिए था, मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर। लेकिन इसके बाद हाइड्रोजन के आइसोटोप्स डिस्कवर हुए, हाइड्रोजन के दो आइसोटोप डिस्कवर हुए, एक था H12 जो होता है ड्यूट्रियम, ठीक है, और दूसरा था H13 जिसे कहते हैं ट्रिटियम। तो दो आइसोटोप डिस्कवर हुए हाइड्रोजन के, जो एक था ड्यूट्रियम और दूसरा था ट्रिटियम। अब इस ड्यूट्रियम में हाइड्रोजन का आप मास देख सकते हैं कितना है, उसका मास 2 है, जबकि होना कितना चाहिए था, 1 होना चाहिए था, ठीक है। सिमिलरली ट्रिटियम में आप इसका मास देख सकते हैं कितना था, 3, जबकि इसमें कितना मास होना चाहिए था, 1 यूनिट। तो इन दोनों हाइड्रोजन एटम का मास जो है वो एक्चुअल मास जो हाइड्रोजन एटम का होना चाहिए था उससे डिफरेंट है। नाउ हाउ इज दिस पॉसिबल कि दो अलग अलग एटम जिनका चार्ज सेम है, मतलब जिनमें प्रोटॉन सेम है लेकिन उनका मास अलग अलग हो, ठीक है। तो इसी का आंसर ढूंढने के लिए 1931 में जेम्स चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया, एक बेरिलियम शीट ली, ये हमारी बेरिलियम की एक शीट है बीई, और उस पर अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करवाया, बम्बार्ड करवाया, ठीक है, ये आपके अल्फा पार्टिकल्स हैं। अच्छा, उन्होंने ये देखा कि जब अल्फा पार्टिकल्स इस पर स्ट्राइक करते हैं तो इसमें से कुछ रेज इमिट होती है, कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं, ठीक है। जब उन्होंने इन पार्टिकल्स का चार्ज पता लगाया तो उसका जो चार्ज था वो आया 0, यानी कि जो पार्टिकल इसमें से निकल रहे हैं, बेरिलियम की शीट में से जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो अनचार्ज्ड हैं, उस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। फर्दर उन्होंने इन्हीं चार्ज पार्टिकल्स को, सॉरी, इन्हीं अनचार्ज पार्टिकल्स को आगे एक वैक्स शीट पे स्ट्राइक करवाया, ये हमारी वैक्स की शीट है ना। तो उन्होंने देखा कि इस वैक्स शीट में से भी कुछ पार्टिकल्स इमिट हुए। जब उन्होंने इन पार्टिकल के बारे में पता लगाया तो उन्हें पता चला कि जो वैक्स में से पार्टिकल्स निकल रहे हैं ये है प्रोटॉन्स, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है, बेरिलियम पर कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक कर रहे हैं, उसकी वजह से बेरिलियम में से कुछ पार्टिकल्स निकल रहे हैं जो कि अनचार्ज्ड हैं, यानी उनका चार्ज क्या है, 0। फर्दर जब उनको वैक्स वैक्स की शीट पे स्ट्राइक करवाया जाता है तो वैक्स में से भी कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं जो कि क्या है, प्रोटॉन्स, यानी इन पार्टिकल्स ने वैक्स के एटम्स में से प्रोटॉन्स को निकाल दिया, ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब देखिए, उस वक्त तक जो हमें अनचार्ज पार्टिकल पता था, यानी जिस अनचार्ज पार्टिकल के बारे में हमें पता था वो था फोटोन, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती थी कि जब अल्फा पार्टिकल ने बेरिलियम को हिट किया तो ये जो अनचार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं ये क्या हो, फोटॉन्स हो। अब फोटॉन्स क्या होता है, दे आर द पार्टिकल ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट के पार्टिकल्स हैं। लेकिन जब ये अनचार्ज पार्टिकल इस पर हिट करते हैं तो क्या रिलीज करते हैं, क्या निकालते हैं, प्रोटॉन्स निकालते हैं। अब प्रोटॉन्स को निकालने के लिए किसी फोटॉन्स के पास इनफ एनर्जी नहीं होती है, यानी अगर हमें किसी एटम, किसी इस वैक्स एटम में से प्रोटॉन्स को निकालना है तो उसके लिए किसी फोटोन के पास इनफ एनर्जी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये जो अनचार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं ये फोटॉन्स नहीं है, ये कुछ और होने चाहिए। तो जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम से इनका मास पता लगाया गया तो ये देखा गया कि इनका जो मास है, इन पार्टिकल्स का जो मास है वो लगभग 1 यूनिट के आसपास है, यानी कि वो है मास ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर, ठीक है। अगर हम उनका एग्जैक्ट मास देखें तो इनका जो मास आया था वो आया था 1.00866 यूनिट्स, ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो जेम्स चैडविक का ऐसा आर्ग्यूमेंट था कि ये, अच्छा, ये एटम्स, ये पार्टिकल्स कहां से निकले हैं, बेरिलियम में से, यानी बेरिलियम के एटम में
प्रोटॉन के अलावा कुछ ऐसे पार्टिकल भी होने चाहिए जिनके पास कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ क्या है, मास। और कितना मास है? इतना। ठीक है, तो इसका मतलब कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन के अलावा एक ऐसा पार्टिकल भी होता है जिसका कोई चार्ज नहीं होता, विच हैव नो चार्ज बट हैव मास। जिसका कोई चार्ज नहीं होता लेकिन क्या होता है, मास होता है। और इस पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एटम्स में प्रोटॉन के अलावा, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के अलावा और क्या होता है, न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, एक तीसरा पार्टिकल भी होता है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन। ठीक है, अब इससे देखिए आइसोटोप्स की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। तो आइसोटोप्स में यहां आप देख सकते हैं कि इसका मास नंबर कितना है, 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर एक प्रोटॉन है प्लस और क्या होना चाहिए, एक न्यूट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली यहां इसका आइसोटोप है 3, मतलब इसका एटॉमिक मास नंबर है 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां एक प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। सो ये हो गई आपकी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब ये न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस में, तो चलिए समझते हैं उसी न्यूक्लियस की कुछ प्रॉपर्टीज को। लेट्स सी, तो चलिए देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। लेट्स स्टार्ट विद साइज। सो इन आवर प्रीवियस चैप्टर वी हैव सीन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जहां हमने देखा था अल्फा पार्टिकल को जब हम गोल्ड फॉइल में से पास करवाते हैं तो वो अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो कि एग्जैक्टली कितने एंगल से वापस आए थे, 180 डिग्री से। ठीक है, अब ये अल्फा पार्टिकल जो 180 डिग्री से रिटर्न हो रहे हैं, ये वो होंगे जो एग्जैक्टली किसकी तरफ ट्रैवल कर रहे होंगे, न्यूक्लियस की तरफ। मतलब जो अल्फा पार्टिकल एग्जैक्टली न्यूक्लियस की तरफ जा रहे होंगे वही 180 डिग्री से वापस आए हैं, है ना, और बाकी कोई इधर गया कोई इधर गया, इस तरह से ये अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर हो गए। ठीक है, अच्छा हमने ये कैलकुलेट किया था, देखिए हमने अल्फा पार्टिकल को कितनी एनर्जी से भेजा था, वो था 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इतनी ज्यादा एनर्जी से जाने वाला जो अल्फा पार्टिकल है वो एटम के अंदर थोड़ा अंदर जाने के बाद रिटर्न हुआ होगा, यानी ये थोड़ा सा एटम के अंदर जाने के बाद वापस बाहर निकला होगा। तो सपोज करिए कि ये अल्फा पार्टिकल यहां तक पहुंचा, है ना, क्लियर हो गया। तो न्यूक्लियस से ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डी डिस्टेंस, जहां से अल्फा पार्टिकल रिटर्न हुआ, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, तो जिसको हमने डिटरमाइन किया था कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होता है 4×10⁻¹⁴ मीटर। अगर आपको याद हो तो हमने ये डिस्टेंस निकाली थी, कितनी, 4×10⁻¹⁴ मीटर, क्लियर हो गया। तो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और हम ये कह सकते हैं कि कुछ इसी डिस्टेंस के आसपास न्यूक्लियस जो है वो स्टार्ट हुआ होगा, यानी दिस इज द अप्रोक्सीमेट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, क्लियर हो गया। इसी को हम अप्रोक्सीमेट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कह सकते हैं, ना, लेट्स डिनोटेड विद कैपिटल आर, क्लियर हो गया ये। अच्छा, अब कुछ और एक्सपेरिमेंट में हमने अल्फा पार्टिकल की बजाय उसे हटाकर रख दिए इलेक्ट्रॉन्स, है ना, और फिर उनसे अलग अलग एटम्स के न्यूक्लियस की साइज को डिटरमाइन किया। तो सभी केसेस में ऐसा देखा गया कि जो न्यूक्लियस का रेडियस है आर, इसे आप याद रखेंगे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a^(1/3). ठीक है, वेयर ए इज एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, तो जब हमने इलेक्ट्रॉन्स का यूज करके अलग अलग एटम्स के न्यूक्लियर रेडियस को पता किया, तो ये सभी केसेस में देखा गया कि सभी न्यूक्लियस का जो रेडियस है, उन सभी एटम्स के जो न्यूक्लियस का जो रेडियस था वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा था, एटॉमिक मास नंबर की पावर 1/3 के, दैट इज 1/3 ऑफ द पावर ऑफ एटॉमिक मास नंबर। अब अगर आप ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, तो यहां पर ये कांस्टेंट आता है r=r0 a^(1/3। ठीक है, अब यहां पर ये जो r जीरो है उसकी वैल्यू होती है 1.2×10⁻¹⁵ मीटर। ठीक है, और इसको क्या लिखते हैं, फर्मी, यानी ये हो गया आपका 1.2 फर्मी मीटर या फेमटोमीटर। ठीक है,
ये क्लियर हो गया। सो दिस इज व्हाट, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, क्लियर है। तो ये हो गया पहली प्रॉपर्टी साइज, है ना। नाउ लेट्स सी द सेकंड प्रॉपर्टी, दैट इज मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। चलिए देखते हैं मास ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है। देखिए न्यूक्लियस का कंपोजिशन क्या है, न्यूक्लियस बना होता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन से। इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो मास है वो किसके बराबर होना चाहिए, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। जितने भी प्रोटॉन हैं उनका और जितने भी न्यूट्रॉन हैं उनका सबका मास अगर हम मिला दें तो हमें क्या मिलेगा, मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। अब लेट्स से कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं पी किसी न्यूक्लियस में, और एक प्रोटॉन का मास हमने देखा था लगभग कितना होता है, 1 यूनिट की जितना, क्लियर है। सिमिलरली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लेट्स से हम मान लेते हैं एन है, किसी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, एन। तो एक न्यूट्रॉन का मास कितना था, वो भी था लगभग 1 यूनिट जितना, ठीक है। अब इन दोनों में से देखिए आप इसे 1 यूनिट कॉमन ले सकते हैं, यानी आ जाएगा पी प्लस एन, ठीक है, इंटू 1 यूनिट, क्लियर हो गया। नाउ व्हाट इज पी प्लस एन, पी क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एन क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और पी प्लस एन होता है आपको बताया था ए, कैपिटल ए, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, इंटू 1 यूनिट, ठीक है। ये आ गया आपका क्या, मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्लियर हो गया। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना। अच्छा इसमें अगर आपको कहीं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का मास दिया है क्वेश्चन में तो आपको 1 यूनिट की जगह वो एग्जैक्ट मास डालना है, ये याद रखना है। ये हमने निकाला है अप्रोक्सीमेट ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, ये क्लियर हो गया। नो थर्ड प्रॉपर्टी इज डेंसिटी, देखिए डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी यानी इसको हम रिप्रेजेंट करते रहते हैं रो से, इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, यानी इट इज द रेशियो ऑफ मास बाय वॉल्यूम। तो अगर हम न्यूक्लियर की डेंसिटी निकाले, न्यूक्लियर की डेंसिटी निकालें तो न्यूक्लियस का मास कितना है, देखिए ए इंटू 1 यूनिट, ठीक है। हम इसको बार बार 1 यूनिट लिख रहे हैं क्योंकि हम इसे केजी में अभी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, हम इसे अभी 1 यूनिट लेके चलते हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब न्यूक्लियस का कुछ फिक्स शेप तो होता नहीं है, ठीक है, तो लेकिन हम उसे नियरली रफली स्फेरिकल लेके चलते हैं, तो किसी स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, वो होता है 4/3 πr³, ठीक है, वेयर आर इज द रेडियस। और हमने देखा कि न्यूक्लियस का रेडियस कितना होता है, आर इक्वल टू आर जीरो टू द पावर 1/(a⁻³), यानी ये हो जाएगा आपका a इंटू 1u डिवाइडेड बाय 4/3 π, r की जगह क्या रख देंगे, r जीरो इंटू ए टू दी पावर 1/3 का होल क्यूब, ठीक है, क्लियर हो गया। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा आपका डेंसिटी रो इज इक्वल्स टू a इंटू 1u डिवाइडेड बाय 4/3 π। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो देखिए हो जाएगा r जीरो का क्यूब, है ना, इंटू ए। अब इस ए से ये ए कैंसल, यानी ये हो गया 1 यूनिट डिवाइडेड बाय 4/3 π आर जीरो टू दी पावर 3, क्लियर हो गया। अब इसमें 1 यूनिट यानी फिक्स क्वांटिटी है, 4/3 π, और आर नॉट, आर नॉट कितना होता है 1.2 फर्मी, ये भी फिक्स है, यानी डेंसिटी जो है वो पूरी कैसी आ रही है, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी आ रही है, क्लियर है। और इसका किसी और वेरिएबल पे ना तो एटॉमिक मास ना एटॉमिक नंबर से कोई लेना देना है, यानी सभी एटम्स की जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है, चाहे आप ऑक्सीजन ले लें, नाइट्रोजन ले लें या हाइड्रोजन ले लें, उन सब की न्यूक्लियर डेंसिटी कैसी होती है, सेम होती है, इक्वल होती है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 2.3 × 10⁻¹⁷ kg/m³, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियर डेंसिटी। तो यानी न्यूक्लियर डेंसिटी चाहे कि कोई भी एटम हो, हमेशा वो कैसा रहता है, न्यूक्लियर डेंसिटी कांस्टेंट रहता है, ये ना तो एटॉमिक मास ना ही एटॉमिक नंबर पे किसी तरह से डिपेंड करता है, क्लियर है। तो ये था आपका न्यूक्लियर डेंसिटीज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम कैसे किसी मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी किसी मास एनर्जी को किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी, नाउ लेट अस डिस्कस द मास एनर्जी। देखिए आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी में ये कहा था कि मास को हमें एक अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी की तरह ट्रीट करना चाहिए,
ठीक है, यानी कोई मास भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, अब इस थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी के आने से पहले मास को एक रिजर्व्ड फॉर्म यानी कंजर्व्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी माना जाता था। ठीक है, यानी हम मास को किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उससे हम किसी और टाइप की एनर्जी डिराइव नहीं कर सकते। लेकिन आइंस्टाइन ने ये दिखाया कि मास को भी हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, वेयर एम इज मास, एम क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल एटम या कोई भी, है ना, एंड सी इज द स्पीड ऑफ लाइट तो इस रिलेशन का यूज करके हम मास को काइनेटिक एनर्जी या किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया ये। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसका यूज करके वन एटॉमिक मास यूनिट की एनर्जी निकालिए तो कितनी होगी, तो देखिए व्हाट इज वन ए एम यू, वन ए एम यू इज इक्वल टू होता है 1.66 × 10⁻²⁷ kg। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, तो स्पीड ऑफ लाइट c इज इक्वल टू होता है 2.9979 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एनर्जी कितनी हो गई इन दोनों की, e इज इक्वल टू हो जाएगा m, m यानी यहाँ m कितना है 1.6605 × 10⁻²⁷ kg × 2.9979 × 10⁸ m/s² का होल स्क्वायर। ठीक है, एम सी स्क्वायर, एम इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.4924 × 10⁻¹⁰ जूल्स। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यूज रखनी है ना आपको, वैल्यू भी एनर्जी की भी वैल्यू कैसे निकालनी है एग्जैक्ट। अब इसको आप अप्रोक्सीमेटली 1.5 × 10⁻¹⁰ जूल्स लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, ये एनर्जी आई किसमें, जूल में। अगर हम इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो देखिए क्या होगा, E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए किससे डिवाइड करते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो इसको डिवाइड करिए 1.49, ये था हमारा 1.49 × 10⁻¹⁰ जूल्स डिवाइडेड बाय 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम्स। ठीक है, क्लियर हो गया, ये एग्जैक्ट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमें लेना है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 931.5 MeV। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 931.5 × 10⁻¹⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हो गई एनर्जी E रिलेटेड विद 1 AMU, किसकी एनर्जी हो गई 1 AMU। और आगे के न्यूमेरिकल्स करने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी मतलब 1 AMU से रिलेटेड एनर्जी कितनी होती है, 931.5 MeV। ठीक है, तो ये था आपका आज का लास्ट टॉपिक मास एनर्जी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।